दोस्तों, अगर आप भी सुरेश रैना और युवराज सिंह को बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रोड सेफ्टी सीरीज का ऐसा ओपनिंग मुकाबला खेला गया जिसको देख दर्शकों ने जोश में पूरे स्टेडियम को सिर पर उठा लिया। तो वहीं इस मुकाबले में स्टुअर्ट बिन्नी ने एक ऐसी पारी खेली जो आज तक धोनी, रोहित और कोहली तक नहीं खेल पाए। बताएंगे स्टुअर्ट बिन्नी की पारी के साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में से कौन बेहतर क्रिकेटर है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, रोड सेफ्टिक वर्ल्ड सीरीज का दूसरा संस्करण प्रारंभ हो गया है, जहां पहला मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में इंडिया लेजेंड्स बनाम साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के बीच में खेला गया, जिसमें भारत की कप्तानी सचिन तेंदुलकर तो वहीं साउथ अफ्रीका की कप्तानी जॉन्टी रोड्स ने करी। जहां इस मुकाबले में सबसे पहले भारत के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने तहलका मचाकर 217 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए। जहां पारी की शुरुआत करते हुए सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा ने धीमी शुरुआत कर टीम को संभाल लिया, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में सचिन तेंदुलकर एंटनी की गेंद पर जोहान बोथा के हाथों 15 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेलकर कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने लोकल बॉय सुरेश रैना आते हैं। तो वहीं उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन दूसरी तरफ से नमन ओझा 18 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेलकर वांडरवाथ की गेंद पर जॉन्टी रोड्स के हाथों कैच आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए स्टुअर्ट बिन्नी आते हैं, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तहलका मचाते हुए गेंदबाजों पर तगड़ा प्रहार किया, लेकिन 13वें ओवर में सुरेश रैना 150 के स्ट्राइक रेट के साथ 22 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेलकर एडी ली की गेंद पर वांडर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उपकप्तान युवराज सिंह आते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और 8 गेंदों पर 6 रन बनाकर वांडरवाथ की गेंद पर कैच आउट हो गए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए हरफन मौला खिलाड़ी यूसुफ पठान आते हैं, तो वहीं स्टुअर्ट बिन्नी ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने तहलका मचाते हुए टीम को शानदार समाप्ति दी, जिसके कारण भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 217 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए थे, जहां पर स्टुअर्ट बिन्नी ने 42 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के की मदद से 82 रनों की नाबाद पारी खेली। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 196 का रहा। तो दूसरी तरफ यूसुफ पठान ने 15 गेंदों पर 1 चौके और 4 छक्के की मदद से 234 के स्ट्राइक रेट के साथ 35 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से वांडरवाथ ने 2 विकेट हासिल किए तो वहीं ली और एंटनी ने 1-1 विकेट हासिल किया। लेकिन इसके बाद जब साउथ अफ्रीका की टीम 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी तो पारी की शुरुआत पुटिक और वान बैंक ने करी और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर ले लिया, लेकिन पावर प्ले की अंतिम गेंद पर 43 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को पहला झटका लगा, जहां राहुल शर्मा ने वैन वाइक को 24 गेंदों पर 26 रन बनाने के बाद LBW आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने पीटरसन आते हैं, लेकिन 8वें ओवर में प्रज्ञान ओझा ने पुटिक को 24 गेंदों पर 23 रन बनाने के बाद सचिन तेंदुलकर के हाथों कैच आउट करा दिया और उसके बाद बल्लेबाजी करने रोडोल्फ आते हैं। तो वहीं 11वें ओवर में प्रज्ञान ओझा ने पीटरसन को 9 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद नमन ओझा के हाथों स्टंप आउट करवा दिया और अब बल्लेबाजी करने के लिए डेविड आते हैं, लेकिन अब विकेट लगातार ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे थे और टीम की नैया को बचाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। जहां 12वें ओवर में युवराज सिंह ने डेविड को 6 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान जॉन्टी रोड्स आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से 14वें ओवर में राहुल शर्मा ने रुडोल्फ को 14 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 16 रनों की पारी खेलने के बाद LBW आउट कर दिया और अब बल्लेबाजी की कमान संभालने जोहान बोथा आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और 15वें ओवर में मुनाफ पटेल की गेंद पर 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए वांडर आते हैं, लेकिन 16वें ओवर में वांडर ने बिना खाता खोले राहुल शर्मा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और अब बल्लेबाजी करने के लिए एडली आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और प्रत्येक खिलाड़ी की तरह पवेलियन को जल्द 18वें ओवर में इरफान पठान की गेंद पर बिना खाता खोले रवाना हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए एंटनी आते हैं और वो भी 19वें ओवर में मुनाफ पटेल की गेंद पर 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और अब बल्लेबाजी करने और अंतिम विकेट बचाने के लिए क्रूगर आते हैं। तो वहीं कप्तान जॉन्टी रोड्स ने अंत तक अपनी टीम को संभाल कर रखा है और 27 गेंदों पर 5 चौके
और एक छक्के की मदद से 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 38 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में महज 156 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई। जहां भारतीय गेंदबाजों की तरफ से राहुल शर्मा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए तो वहीं मुनाफ पटेल और प्रज्ञान ओझा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा इरफान पठान और युवराज सिंह ने 1-1 विकेट लिया और इसी के साथ भारतीय टीम 61 रनों से ये मुकाबला जीत गई और ओपनिंग मुकाबले में जीत दर्ज कर भारत अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गया है। तो वहीं इस मुकाबले में जीत के हीरो और मैन ऑफ द मैच रहे स्टुअर्ट बिन ने। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार इंडिया लेजेंड्स की टीम दोबारा से टूर्नामेंट जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।